हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा डिटरमिनेंट की डेफिनेशन करते हैं पहले। अगर आपके पास कोई स्केल मैट्रिक्स हो तो ये ए कोई स्केल मैट्रिक्स है, ये a11 a12 a13 लाइक दैट a1 a21 a22 a23 लाइक दैट a21 a3 ए यहाँ पे लिख लीजिएगा n1 an2 an3 ann। तो ये बेटा आपके पास n क्रॉस n की आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता है इसका इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है? एक डिटरमिनेंट ऑफ ए एक नंबर होता है डिटरमिनेंट बेटा, उसको ऐसे देखते हैं a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a24 an1 an2 an3 ann। ये किस टाइप से ऐसे तो ये डिनोट करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए को डिनोट करता है। ये एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है तो इससे एक नंबर एसोसिएट होगा और उस नंबर को बोलते हैं हम डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कब ऐसे नोट करते हैं बेटा, ठीक है ना? ये नोटेशन किसकी है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 2x2, डिटरमिनेंट ऑफ 3x3। देखिए अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट ऑफ 1x1, 1x1 भी एक स्केयर मैट्रिक्स है ना, तो 1x1 एक स्केयर मैट्रिक्स है। आपको एलिमेंट लेंगे, सपोज करिए आपने ए को ले लिया a1, ये कोई मैट्रिक्स है। Then determinant of A is equal to क्या रहेगा भाई, आप ऐसे लिख देंगे determinant of a11 हो जाएगा, है ना? ठीक है ना बेटा? तो ये determinant of a11 हो जाएगा, तो ये तो a11 ही है, यानी कि जो ये एलिमेंट है वही आ जाएगा। सपोज करिए आपको determinant निकालना determinant of 2, तो ये क्या रहेगा बेटा? 2 भी रहेगा। क्लियर? determinant of 2 is equal to 2। अब हम डिफाइन करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ 3x3, यानी कि 2x2 के डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद 3x3 का डिफाइन करेंगे। तो 2x2 का डिटरमिनेंट लेते हैं बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये 2x2 का डिटरमिनेंट है। इसको एक्सपेंड करने के लिए देखिए यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू? यह आएगा a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12, ये वैल्यू है। अगर मैं किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल लेके बोलूं आपको कि आपको एक 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो सपोज करिए हमारे पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम ले लेते हैं 1325, ऐसे। तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × 5 होगा माइनस 6, तो ये रहेगा -1। तो इस टाइप आप 2x2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड इजिली कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 3x3 का डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना है, तो देखिए इसका यूज करते हुए आप 3x3 का डिटरमिनेंट है उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड करने के लिए है, वो है a11 a12 a13 a21 a22 a23 लाइक दैट a31 a32 a33, ये आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। सिंपल सा पैटर्न है भाई, क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट किया a11, ये लिखा। अब आप इस रो को छोड़ दीजिएगा, ये फर्स्ट रो है, और इस कॉलम को छोड़ दीजिए जिसके अंदर ये एलिमेंट है, आप उस रो को भी छोड़ दीजिएगा और इस कॉलम को, तो जो बचा हुआ वो लिख दीजिए। आपके पास है a22 a23 a32 a33, ये बेटा ऐसे ये एलिमेंट था, इस रो में है, इस कॉलम में, दोनों को छुपा लीजिएगा, ये बच गया। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाएगा,
तो ये आया ए वन, ये लिमिट आपने लिखा ए वन। फिर यही सेम पैटर्न क्या करेंगे, जिस रो में है ये फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और सेकंड को रो, तो जो आपके पास बचा ये हुआ ए टू वन ए टू थ्री, ये ए थ्री वन ए थ्री थ्री, ये आपके पास बचा। ऐसा ही नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, ये आपके पास आएगा ए वन थ्री। देखिए मैंने बोला फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव लिखिए ए वन थ्री। हाँ जी, अब इस रो को छोड़ दीजिए और इस रो, तो आपके पास आया ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री, ये बना। अब आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपके पास है ए वन वन, इसको ही बताया पैटर्न आपको एक्सपेंड करने के लिए, तो ये रहेगा ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री, इसको एक्सपेंड किया। फिर नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे तो ए टू वन सॉरी ए वन टू, तो नेक्स्ट आपके पास है ए वन टू, फिर से यही बना, ये रहेगा ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए जी टू थ्री ए थ्री। ऐसे नेक्स्ट को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आएगा ए वन थ्री से ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए टू, इस टाइप से आप थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए बेटा अगर आपका माइंड हो तो आप इसको इस फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेम पैटर्न चलेगा। अगर किसी को फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, फिर पैटर्न वही है, आपने ये एलिमेंट लिखा ए वन, इस रो को भी छोड़ दीजिएगा इस कॉलम को भी, तो ये रो और ये कॉलम, तो आपके पास है बेटा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस ए टू वन। अब इस रो को कॉलम को छोड़ दीजिए, इसमें इस रो कॉलम में ये एलिमेंट इसको छोड़ दीजिए, तो ये आएगा ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इस टाइप से नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव ए थ्री वन, फिर सेम बना सेम आप ये इस रो को छोड़िए इस कॉलम को छोड़िए, तो क्या मिलेगा ये आपके पास आएगा ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री, इस टाइप से। फिर वही पैटर्न है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए वन वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए, फिर माइनस ए टू वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ए वन वन ये आएगा ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री, फिर नेक्स्ट माइनस ए टू वन ए वन टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए वन, फिर नेक्स्ट ए थ्री वन ए वन टू ए टू थ्री, ये पैटर्न बेटा इनको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, सेम पैटर्न। सो ए वन टू ए टू थ्री माइनस ए वन थ्री ए टू, इस टाइप से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट कॉलम से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे एक्सपेंड कर रहा है। नाउ देखिए बेटा जो फोर पैटर्न एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर वन की बात करें तो टू को शुगर एलिमिनेट एक्सपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास है टू फोर माइनस फाइव माइनस, ये बेटा अभी आपको मैंने पैटर्न बताया था, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस वन तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस किया माइनस वन,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस टू, फिर माइनस साइन हमने लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू, दैट इज यहां आपके पास मिला माइनस टू प्लस 20 इज इक्वल टू 80। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजिली हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये वाला क्वेश्चन नंबर टू, तो क्वेश्चन नंबर टू के देखने से यह आपके पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा, ये बेटा सेम एक्सपेक्ट करेंगे, तो cos इंटू cos बताइए cos क्या हो जाएगा, बीच में माइनस लगाया ये माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपको मिला cos के थीटा प्लस साइन के थीटा, वो होता है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है। तो इस टाइप से डिटरमिनेंट को टू क्रॉस टू का हो तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए बेटा, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन शो दैट 2 इंटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपके शो करता है। देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका, एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, ए गिवन है, पहले आप ए लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 1 2 4, क्लियर। तो यहां पे आप एक एलिमेंट भी निकाल लीजिएगा, फाइंड आउट कर दीजिए, सो ए डिटरमिनेंट 1 into 2 माइनस एट, ऐसे मल्टीप्लाई करा तो ये 1 into 2 2 माइनस एट माइनस, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करूं 2a की, तो 2a की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2 इंटू ए रख लीजिए, ए हम 1 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को 2 से, तो ये 2 आएगा 4, ये 8 और ये 3, ये आपके पास है 2a। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का आरंभ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a, यानी क्या करेंगे भाई डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, इसकी वैल्यू क्या आपके पास 2 4 8, डिटरमिनेंट निकालेंगे ये 2 into 4 8 8 माइनस 32, 8 माइनस 32 तो ये आपके पास आ गया माइनस 24 माइनस 24। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ k, देखिए देखते हैं 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल रखी है माइनस 6, तो यह आपको मिला 4 इंटू माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मीनिंग आपने प्रूव कर लिया, प्रूव हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बट क्वेश्चन नंबर 3 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपको शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0, ये मैट्रिक्स ए, फर्स्ट क्या करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं पहले, उसी मतलब इजीनेस हो जाएगी, बताया था आपको कि 1 लिखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखिए, ये लिखा इस रो को छोड़ दीजिए कॉलम को, तो क्या मिलेगा 1 2 0 4 इस टाइप से, फिर माइनस नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए 0, फिर इस रो को इस कॉलम को छोड़ दीजिए मिलेगा 0 2 0 4 इस टाइप से, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव आएगा वो 1 लिखिए फर्स्ट रो और इस थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए,
तो ये मिलेगा 0100। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो अब ये एक्सपेंड टू करना है बस, तो ये वन, ये फोर माइनस टू, फोर माइनस टू, देखिए जीरो इंटू समथिंग जीरो रहेगा, तो यहां से वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो इंटू समथिंग, और वो होती है बेटा जीरो। तो जो यहां से वैल्यू आएगी ना, ये आएगी फोर माइनस जीरो, और ये तो जीरो रहेगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ये देखिए ये भागी था आपने जीरो इंटू जीरो जीरो, ये भी क्या आ गया जीरो। तो सिर्फ आपको क्या मिला, आप लोगों को मिला फोर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फोर, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फोर। अब देखिए इस साइड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ थ्री, इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, पहले ए को थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री जीरो थ्री जीरो थ्री सिक्स जीरो जीरो ट्वेल्व, यह आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ थ्री हो। अब इसको सेम पैटर्न में एक्सपेंड करेंगे आप, तो थ्री इस रो को छोड़ दीजिए आप प्रॉब्लम, तो थ्री इंटू सिक्स जीरो इंटू ट्वेल्व, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव लिखेंगे जीरो, फिर वही पैटर्न बेटा जीरो सिक्स जीरो ट्वेल्व, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव लिखा जाएगा थ्री, ये रहेगा जीरो थ्री जीरो, इस टाइप से आप ले सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये थ्री थ्री, ये थर्टी सिक्स माइनस जीरो, तो क्या मिलेगा सर थर्टी सिक्स, ये कंप्लीट जीरो, ठीक है जी। ये आपके पास थ्री जीरो माइनस जीरो तो जीरो मिलेगा, थ्री इंटू थर्टी सिक्स मिला दैट इज 108। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है 108। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड आपको निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या निकालना है, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां पे आपके पास बेटा ये फोर फोर वैल्यू है, तो 27 इंटू फोर लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, और 2 आपके पास कह रहे थे 108। इसका मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फाइनली क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपने सो कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपने सो कर दिया, क्लियर बेटा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, मैं वो रिजल्ट लिखता हूं, हर एक क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट है देखिए एक बार। ये कहता है कि अगर आपको कभी भी के इंटू ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के इंटू ए डिटरमिनेंट, तो इसका रूल आपके पास होता है के रेज़्ड टू पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रूल के रेज़्ड टू पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एन क्या है, एन है इस ए का ऑर्डर, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर आपके पास ए स्केयर मैट्रिक्स तो है बेटा, स्केयर मैट्रिक्स जरूरी है, अगर ए आपके पास एन क्रॉस एन की स्केयर मैट्रिक्स हो, कभी भी आपको निकालना हो के इंटू ए डिटरमिनेंट, तो रहेगा के रेज़्ड टू पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपने क्या सॉल्व किया, डिटरमिनेंट ऑफ 3, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, ये आपने सॉल्व किया 27 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये वाला ये सॉल्व किया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता, अगर सिंपल सी बात करता, मैं इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करता, तो देखिए यहां पे a का ऑर्डर क्या है, a आपके पास 3 क्रॉस 3 की है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका a का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है,
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के 3 हो गया, ए का ऑर्डर आपके पास 3+3 यानी कि एन की वैल्यू आपको 3 मिली। तो 3a1 डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्या मिलना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 raised to power n, n कितना है यहाँ पे 3, ऑर्डर 3+3 है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 3 raised to power 3 = 77 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये बेटा यही तो मिला। तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे एन क्या है, एन ए जो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है बेटा, एन उसका ऑर्डर है, क्लियर। तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूला रखेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थे आपके पास question number 3, question number 4। नाउ question number 5 देखिए बेटा, question number 5 के अंदर 4 पार्ट है, मैं 4th पार्ट करता हूँ। इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, वो तो पैटर्न आपने सीख लिया है कि कैसे एक्सपेंड करना। देखिए डायरेक्ट देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, मैंने बोला था कि आप ये फर्स्ट एलिमेंट ये ठीक है, फिर इसके बाद इस रो को छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, कॉलम को छोड़ दीजिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये डायरेक्ट यहां कर लो 0 0 -5 इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 0, फिर ये आपके पास आएगा -5, तो ये 0 -5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को आप नेगेटिव लिखेंगे, ये माइनस तो पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस रो को छोड़ेंगे आप इस रो को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 0 रहेगा, ये -3 और माइनस आप लगाएंगे तो प्लस, इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट -2 एलिमेंट का, फिर इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये होगा -6, इस टाइप से आप सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है तो जो लॉन्ग पैटर्न है उससे एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आएगा -10 + 3 + 5, सो 12 + 3 = 15, 15 - 10 = 5, ये डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तब भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या मिलता है भाई, ये 2 लिखते हैं फिर ये जोड़ दीजिएगा तो ये 0 - 5, फर्स्ट तक तो ये नहीं होती, फिर ये माइनस करते आप तो 0 तो 0 होता है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट 0 ही आएगा, कोई रोल नहीं है इसका। फिर नेक्स्ट टर्म लेते 3, ये रो ए कॉलम, ये रो ए कॉलम, तो 1 ये आपको मिला 1 + 4, तो ये आपके पास हुआ बेटा -10 + 15 - 10 + 15 = 5। तो इस टाइप से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, रो से एक्सपेंड करिए या कॉलम से एक्सपेंड करिए। तो ये आपके पास question number 5 है। जो question number 6 है वो भी सेम है, वो भी आप इजिली कर सकते हैं बेटा। question number 7 और question number 8 दोनों ही जैसे क्वेश्चन है। question number 7 का एक पार्ट मैं कर देता हूं, बाकी इस दूसरा पार्ट वो आप खुद कर लेंगे, question number 8 भी कर लेंगे। तो देखिएगा ये आपके पास है 2 डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा ये मैट्रिक्स नहीं है डिटरमिनेंट, तो ऐसा कभी ना करें कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रख दे, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, जब आप मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इनकी वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह आएगा 2 × 2 - 20, ये वैल्यू है 2 - 20, और यहां से आपको मिलेगा 2 × x - 24, 6 × 4, इस टाइप से मिलता है। तो ये आपके पास आपको मिला -18 24 + 7 है +24 = 2x, यहां से इस टाइप से। दोबारा सुन लीजिएगा, जब डिटरमिनेंट इक्वल हो तो उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते। तो ये आपके पास है 2 4 5 1, एक्सपेंड करेंगे 2 × 1 2 - 20, तो 2
टू माइनस ट्वेंटी माइनस एटीन मिल गया आपके पास, ठीक है। और ये सेकेंड है टू एक्स फोर सिक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये माइनस एटीन था इस साइड में आया तो प्लस ट्वेंटी फोर आपके पास आ गया। हाँ जी, तो ये क्या मिलेगा सिक्स सिक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री मिला, तो जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आएगी प्लस माइनस टू थ्री। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं बड़ा इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक बार रख देते हैं, जैसे ये टू इज इक्वल टू टू एक्स रख देंगे एक्स इज इक्वल टू वन बोल देंगे, तो यहां से भी एक्स इज इक्वल टू वन आया बनाया, ठीक है ये भी वन के इक्वल है ना, और यहां से बनाएगा, लेकिन वो गलत है, वो पैटर्न गलत है, वो अप्लाई ना करें। डिटरमिनेंट इक्वल है तो उनकी वैल्यूज इक्वल होती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होते। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 4.1।